से पढ़ते हैं। पहले हाँ तो चैप्टर चालू कर रहे, तो चैप्टर के मतलब को समझो। चैप्टर का जो नाम है फ्रिक्शन, उसके मतलब को समझो। ठीक है, तो हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आज तक ये टर्म्स कहीं सुना था पहले? कहाँ? अपने किस दैनिक जीवन में कहीं सुना था? नाम सुने कहाँ सुना था? अगर किसी अच्छा, भारी यूज़ बता दो, यूज़ कहाँ, कहीं लग तुमको लगा कि ये हम फ्रिक्शन के वजह से ये काम हो पा रहा है? क्या समझता है और कैसे वहाँ तुम्हारा मददगार हुआ वो? कोई सामान एक जगह दूसरे जगह ले जाने में वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट अच्छा, और अच्छा से इसको बताओ। हो, जैसे हम पहले कोई तुम्हारे जानना चाहेंगे ना भाई, कि तुम में क्या क्या पता है तुमको, है ना? भारी सर्कल शेप का चीज ये नहीं ले जाए, उसको गुड़का कर ले सकते फ्रिक्शन की मदद। अच्छा, तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ऐसे चक्कर लगा दो या फिर ऐसे ऐसे डंडा लंबा लंबा रख दो और इस पर ऐसे करके लटा दो, पड़ने लगेगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन होता क्या है ये तो बताओ। नहीं पता? ठीक है, नहीं पता, इसलिए तो चैप्टर है तुम्हारा कि भाई सीखो, है ना? चलो तो सीखेंगे हम भी, अभी नहीं बताएंगे, सीखेंगे इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं पहले ये बता लो भाई। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल हम तुमसे चालू किए कि फ्रिक्शन बताओ, तो उसी फ्रिक्शन को इस चैप्टर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या तो फ्रिक्शन बढ़ाने में या तो फ्रिक्शन घटाने में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, गुण हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, और वो टाइप्स स्टैटिक्स होगा, रोलिंग होगा और स्लाइडिंग होगा। तीन तरीके के फ्रिक्शन हमको हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है सर, वो हम लोग देखेंगे, जिसमें बात करेगा कि फ्रिक्शन जो है, ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए दोनों ही है। क्या है? दोनों ही है, बोथ है। और बोथ मतलब क्या? यह हमारे लिए हार्मफुल भी है, ठीक और है, और यूजफुल यूज़फुल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग यह भी देखेंगे कि कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं या केसेस होते हैं। ठीक है, केसेस मतलब या सिचुएशन भी कह सकते हैं, जहाँ पर हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, किसी भी फ्लूड का इस्तेमाल करके, फ्लूड मतलब लिक्विड्स कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम लोगों को फ्रिक्शन को घटा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन जानेंगे, फिर फ्रिक्शंस के अलग अलग प्रकार को जानेंगे, फिर फ्रिक्शंस के हम लोग यह देखेंगे कि फ्रिक्शन किस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल है, किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल। यूजफुल है, और फिर लास्टली हम लोग देखेंगे कैसे किसी फ्रिक्शंस को हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस ये चीज़ें चैप्टर में देखने वाले हैं। समझ में आ गया क्या क्या देखने वाले हैं? ठीक है, दूसरे बात कि इस चैप्टर का क्या कनेक्शन है हमारे दैनिक जीवन से। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो भाई कनेक्शन तो देखना पड़ेगा ना, तो इस चैप्टर का कनेक्शन क्या है हम लोगों के लाइफ से। ठीक है, कनेक्शन किससे? तो लाइफ से। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जब समझेंगे, ठीक है, कि जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं ग्राउंड पे, वो क्या होता है, जब फुटबॉल को हम लोग मारते हैं अपने पैर से, तो कुछ दूर 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 आता है, फिर वो रुक जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? ठीक है, ये देखेंगे कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो वो किसके वजह से होता है, तो ये सब चीज़। ठीक है, ये रुकता है ना यार, फुटबॉल मारता है कुछ समय के बाद रुक जाता है कि चलते ही रहता है? अच्छा रुक जाता है, तो ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, फिर ये समझेंगे कि अगर हम लोग क्यों जो है किसी कप बोर्ड या कोई भी हेवी हेवी चीज़ को, ठीक है, हेवी थिंग्स को अगर हम लोग लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा भारी लगता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हाथ में, ये देखो एक कोई कपबोर्ड है, कबर्ड है, कबर्ड कबर्ड मतलब कि समझ लो अलमीरा। ठीक है, अगर इसको तुमको हाथ में उठा करके लेने के लिए बोल दे तो ये तुमको भारी लगेगा, हेवी लगेगा? ठीक है, तो यहाँ तुम दिमाग लगाएगा कि कौन सा तरीका अपनाएं जिसमें से ये हेवी ना लगे, तो तुम स्लाइडिंग कर सकते हो या तो फिर रोलिंग कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से हमें कुछ भी कर सकते हो, तो ये तुम्हारे एफर्ट्स को कम कर देगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेन वाई इट इज़ इजियर टू पुल सूटकेस एंड वाइल व्हील्स देन वंस विदाउट व्हील्स। ठीक है, उसके बाद अभी रोड में देखता होगा कि सूटकेस लेके आदमी लोग कहीं से कहीं आ जा रहा होता है। ठीक है, इसमें दो गो चक्का लगा होता है और इधर से खींच रहा होता है, गुड़गुड़ा रहा होता है, तो ये इजियर होता है। ठीक है,
और अगर कंपैरिजन में कहें कि तुमको इसमें पूरा सामान भरा हुआ है और तुमको क्या करना है, ले करके जाना है ऐसे हाथ में उठा करके या ऐसे, तो कौन वाला इजियर होगा, बिना चक्का वाला या चक्का वाला? चक्का वाला मतलब कि ये सर हम लोगों को फ्रिक्शन लेस कर रहा है, ठीक है, मतलब कि फ्रिक्शन में यहाँ पर कमी आ रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन मीन्स अभी तुम ऐसे शॉर्टकट में समझ लो, अपोज करना, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, उसका पैर को पकड़ के खींच दो, ठीक है, तो वो अपोज ही तो कर रहे हैं, उसका हम विरोध ही तो कर रहे हैं। तो ये भी जगह कभी हम लोग कहीं चलते हैं ना, तो चलते हैं, लिखते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हर जगह पर फ्रिक्शन लगा होता है। और कहें तो फ्रिक्शन के वजह से ही हम लोग लिख पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, ठीक है, ये उसी के वजह से है। तो वही ना हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखे थे, थर्ड पॉइंट में, कि हम लोग का किस प्रकार से हार्मफुल होगा ये फ्रिक्शन और किस प्रकार से यूजफुल होगा, ठीक है। तो पहले देख लिया कि फुटबॉल खेलते हैं तो फिर किसी कबड्ड को लिखना होता है, तो फिर सूटकेस को लिखना होता है। फिर हम लोग चौथा जो पॉइंट देख रहे हैं भैया, कि कैसे जो है हम लोग टायर का इस्तेमाल करते हैं ना, टायर, ठीक है। तो क्यों जो है व्हीकल्स का टायर जो है एकदम उसमें, देखो टायर जब देखेगा तो इसमें ऐसे डॉट 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 बना के प्लेन रहता है, डॉक्टर डॉट डॉट रहता है ना, तो वो ताकि इसलिए रहता है ताकि जो ग्राउंड पर चले, रोड पर चले, तो उस पर ना पकड़ बना सके, ठीक है। इंटर देखो, एक हम ऑब्जेक्ट तुमको ऐसे दे और एक ऑब्जेक्ट ऐसे दे, ठीक है, और बोले तुम इधर से खींचो, इधर से खींचो, और इसमें पहले से फेविकोल दे दिए हैं, ठीक है, अब चिपका दिए हैं, और तुमको बोले कि इधर से खींचो और इधर से खींचो, ठीक है, और एक दूसरा केस और दे दिए हैं, ये हो जाएगा, या तो फिर 1 मिनट, ये अब बताओ इसमें तुमको आसानी होगा कि दोनों को हम लोग खींच ले एक तरफ, या ई वाला में, या ई वाला में, सेकेंड सेकेंड वाला में? सेकेंड वाला में सबसे ज्यादा हार्ड लगेगा खींचने में, हैं, जल्दी अलग नहीं होगा, ठीक है, और ई वाला में तुरते अलग हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रहा है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो इंटरलॉकिंग होता है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। टायर चलता है, बस का टायर, ये सब का, तो उसमें इंटरलॉकिंग हो रहा होता है, चलता है। और जहाँ पर ये इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पर फ्रिक्शन लेस होता है, हम लोगों के लिए वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब टाइल्स वाला घर में तुम जाता है और वहाँ पर पानी जिस वक्त बिखेरा होता है, उस वक्त तुमको बड़ा मजा आता है, तनी सुनी ऐसे करता गिरता है, फ्रिक्शन लेस होता है, वहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं हो रहा होता है। वो एक रेगुलर, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ शेप के बारे में भी पढ़ेंगे अगर तुम्हारे चैप्टर में दिया होगा तो, एक इरेगुलर सरफेस और रेगुलर सरफेस, ठीक है। तो वो हम लोगों का क्या हो जाता है, रेगुलर सरफेस हो जाता है, जिसमें कोई भी मतलब पूरी तरीके से स्मूथनेस हो जाता है, जिसके कारण जो है फ्रिक्शन बढ़ जाता है, मतलब घट जाता है, समझा। ये तो भैया चैप्टर का मतलब था, और किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में ये इसका कनेक्शन था वो देख चुके हैं, ठीक है। अगर बड़े तौर पे हम लोग बात करें तो क्या कहता है, सो देखो, फ्रिक्शन इज अ फोर्सेस दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ सर्फेस रिलेटिव टू अनदर सर्फेस एंड बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल टू अस। वही बात हम बोले, अपोज करना, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना, अपनी ओर खींचना, ठीक है, उसी चीज़ को कहते हैं। तो जब वो अपनी ओर खींचेगा तो इसमें दोनों ही होगा, या तो हमारे लिए हार्मफुल भी होगा या तो हमारे लिए ये यूजफुल भी होगा, ठीक है। यहाँ तक चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझ में आया? कोई दिक्कत, नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं है ना, पूछ ले रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त आंसर क्वेश्चन करना होगा उस वक्त फिर हम नहीं बताने वाले हैं तुमको, ठीक है। ओके, लेट्स कनेक्ट बैक। आज तक तुमने क्या सीखा है वो थोड़ा सा देख लो। कहता है कि तुमने प्रीवियस क्लास में मोशन और फोर्स के बारे में सीख चुका है, सीख चुका है, ठीक है सर, सीख चुके हैं। और याद करो एक्टिविटीज़ को, अब एक्टिविटी, अब इस सब चीज़ को याद करने के लिए बोल रहा है कि चलो अगर भूल भी गए होगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी कर लेते हैं, और उस एक्टिविटी से हम लोग चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। कहता है कार्तिक और उसका बेटा रोहन, ठीक है, एक साइकिल राइड पे गया, ठीक है, एक कार्तिक है और एक रोहन है, ठीक है, कार्तिक का बेटा रोहन, दोनों ही एक साइकिल राइड पे रोड पे गए हैं, ठीक है। क्या कहता है, कार्तिक सिट इन अ फ्रंट वाइल रोहन सिट इन अ बैक एज शोन इन फिगर, व्हेन कार्तिक अप्लाइज फोर्सेस ऑन द पैडल ऑन द बाइसाइकिल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर साइकिल है, ठीक है, यहाँ पर उसका बाप बैठा है रोहन, और पीछे में कार्तिक बैठा है। पीछे में रखने चल रहा अच्छा, ये रोहन है ना बेटा, और कार्तिक ये है, तो कार्तिक आगे बैठा है, यहाँ पर पैंडल मार रहा है, तब क्या हो रहा है, साइकिल आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, अब तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब देना, ठीक है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुमको आंसर करना है, अपने से दिमाग लगा करके आंसर नहीं करना है, ठीक है। कार्तिक मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रोहन,
अब बताओ कार्तिक का क्या मौसम होगा अगर हम बात करें रोहन के रिस्पेक्ट में? तो का ज्यादा होगा, रोहन का कम होगा। कहाँ से ज़्यादा होगा सर, दोनों तो 21 ही किलो में हैं, तो जितना स्पीड कार्तिक चलेगा उतना स्पीड तो रोहनो चलेगा, हैं साथ ही में बैठा, जरा सा खाली आगे पीछे है तो साथ होगा। अ पर्सन वॉचिंग फ्रॉम द फुटपाथ। अब देखो ये साइकिल इन लोग यहाँ चला रहा है और एक इंसान यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, अब ये इन लोगों को देख रहा है, तो अब इनके अकॉर्डिंग इन लोगों का मोशन क्या होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, कि वहीं रुका होगा, कि रोहन के जैसा होगा, बताओ। दोनों का इक्वल बढ़ रहा है। दोनों का इक्वल बढ़ रहा हो, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम पूछ रहे हैं कि ये जो आदमी खड़ा है, तीसरा आदमी, ठीक है, ये जो तीसरा आदमी खड़ा है और इन लोग साइकिल से चल रहे हैं, तो इन लोग के इसके मुताबिक इन लोगों का मोशन क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। डस कार्तिक अप्लाई कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द पैडल। पिछले चैप्टर में हम लोग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़े थे, फोर्स पढ़े थे उसमें से नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, तो अब इसमें बताओ कि यहाँ पर साइकिल में कौन सा फोर्स लग रहा है, पैडल में कॉन्टैक्ट मतलब कि साइकिल में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है या नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट बॉडी पार्ट्स इन कर रहे हैं काम ना। ओके सर, इफ कार्तिक स्टॉप पैडलिंग विल द बाइसाइकिल कंटिन्यू टू मूव एट द सेम सेम स्पीड इफ नॉट वाई। अगर यदि कार्तिक साइकिल चला रहा है, अगर कार्तिक जो है पैडल मारना, ठीक है, पैडल मारना स्टॉप कर देता है, ठीक है, तो बताओ कि क्या साइकिल जो है वो आगे चलता ही रहेगा कि रुक जाएगा, रुक जाएगा क्यों रुक जाएगा, इसका जवाब दो हमको। क्योंकि उसमें फोर्स अब नहीं लग रहा है। फोर्स अब नहीं लग रहा है, ठीक है भाई, सही है, ओके, फोर्स सही, फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो एक अलग कारण है, लेकिन अगर इस चैप्टर से अगर देखें, इस चैप्टर के व्यू से, तो ये चैप्टर जो है हम लोगों का वो फ्रिक्शन है, ठीक है। अब देखो एक तो बात ठीक है कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्यों रुक जाएगा, उसको तो पढ़ते ही रहना चाहिए था, है ना, तो दूसरा कारण कि फोर्स नहीं लग रहा, और एक और कारण है कि भैया फ्रिक्शन के वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, ये अपोज करेगा उसके मोशन को, साइकिल तो मोशन करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसको वो खींच देगा, ठीक है, इसी वजह से साइकिल रुकेगा, ठीक है। तुम भी साइकिल से जाते हो स्कूल, वहां पर भी देखे होगे, ठीक है, ओके सर, आगे देखते हैं क्या बोलता है। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट सीम्स टू बी अ मूविंग विद रिस्पेक्ट और रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर और एन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम तभी कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को कि वो ऑब्जेक्ट क्या है भैया, मोशन में है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, जब कभी भी एक पर्सन को हम लोग ध्यान में रख करके बोले कि इससे हम लोग पीछे हैं या इससे हम लोग आगे हैं, या कोई भी वस्तु को लेकर के बोले कि इससे आगे हैं इसके पीछे है, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम और कोई प्लेस को अगर हम रेफरेंस मान के चले कि अरे उस वक्त तो यहाँ थे अभी यहाँ पहुँच गए, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसे क्या कहते हैं, मोशन कह रहे हैं, ठीक है, कि वो चीज़ मोशन में है। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल जैसे कि कंसिडर कर ले हम लोग कि जो एक बच्ची है वो कहाँ पर बैठी हुई है, बस में बस में, ठीक है, लेकिन उसका फादर कहाँ खड़ा है, रोड के किनारे खड़ा है, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बस जब मूव करेगा तो गर्ल्स तो भैया आगे की ओर बढ़ेगी बस में, ठीक है, अपने फादर से, उसका फादर यहाँ रोड में खड़ा है, बस यहाँ था, ये बस तो आगे बढ़ेगा, तो बस अगर हम फादर और उस बच्ची के कनेक्शन दिखा ले तो फादर के जगह से तो वो बस आगे बढ़ रहा है, मीन्स वो चीज़ क्या है, मोशन में है, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि गर्ल इज इन मोशन, ठीक है, रिलेटिव टू हर फादर, ठीक है, फादर को नजर रखते हुए ना, वो अपने से नहीं कह सकते, फिर वो कहेगा कि अच्छा खिड़की, उसका खिड़की से झांक रही है खिड़की और उसमें बताइए, तो भैया जैसे जैसे खिड़की बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भी तो बढ़ रही है, ठीक है, बस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही, तो वो नहीं होगा, किसी को हम लोग को रेफरेंस मानना होगा, ठीक है, तभी होगा। हाउएवर द सी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट टू अ बॉय सिटिंग इन साइड द सेम बस, द सी इज एट द रेस्ट रिलेटिव टू द बॉय, दस एन ऑब्जेक्ट कुड बी एन मोशन रिलेटिव टू बी ऑब्जर्वर एंड द एट रेस्ट एट रिलेटिव अनदर। अब उसी तरीके से यहाँ पर बस में, यहाँ पर वो बच्ची थी, यहाँ पर वो लड़का था, ठीक है, एक लड़का, अब इसके अगर इसको ध्यान में रख करके हम बात करें तो इसके ध्यान में वो बच्ची क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि जितना ही बढ़ रहा है उतना ही यही बढ़ रही है, तो बोलेगा यार तब से तो तुम यहीं बैठी है, हम भी तो यहीं बैठे हैं, कहाँ कहीं गए हुए हैं, हाँ, लेकिन बाहर के किसी चीज़ों से कंपैरिजन करेंगे तब बोलेंगे कि क्या है, चीज़ें बढ़ नहीं। रही हैं, ठीक है, मोशन में, ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? ओके सर, व्हाट काउजेज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन, तुमसे क्वेश्चन कर दिया कि क्या कारण बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो बस जो है वो मूव कर रहा है उसके पीछे कौन सा कारण बना, ठीक है, अब तुमसे पूछे तो भैया तुम्हारा जवाब यही आता है कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दो तरीके के टाइप्स के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कुछ भी इनमें से कहता है एनी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो उस मोशंस को अगर चेंज करना हो तो कोई भी, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा लो या तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगा लो,
ठीक है सर। अब देखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में ही देखे है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स, वैसे कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें इंट्रैक्शन हो किसका, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट फोर्स उसमें जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। फिजिकल मतलब तुम्हारा हाथ पैर वैर सब कुछ, ठीक है, बॉडी पार्ट्स टच हो, इन्वॉल्व हो उसमें, ठीक है, उसे ही हम लोग फिजिकल मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जिसमें कि तुम्हारा मस्कुलर्स तुम्हारा हेल्प करेगा, मसल्स तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा, नॉन कॉन्टैक्ट में कोई भी तुम्हारा मसल्स या फिर फिजिकल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसमें हम लोग दो एग्जाम्पल देखे थे, एक मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर ही है, क्लास 12th में जब जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बोलता है एक्टिविटी वन, अभी अभी हम लोग किए हैं। कार्तिक स्टॉप पैडलिंग द साइकिल विल कम्स टू रेस्ट ऑन इट्स ओन, ठीक है। कार्तिक जैसे ही पैडलिंग करना स्टॉप करेगा, रुकेगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ देर के बाद जो होगा वो साइकिल खुद ब खुद रुक चलेगा। जाएगा, ठीक है। तो सम फोर्सेस मस्ट बी एक्टिंग ऑन द साइकिल टू ब्रिंग इट रेस्ट, है ना, कि कुछ तो ऐसे कुछ फोर्स होंगे जो साइकिल पे लग रहे होंगे और उसे उसे रोकने में काम कर रहे होंगे, रोकने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ वैसे कौन से फोर्सेस होंगे, तो जो फोर्सेस उसे रोकने का काम कर रहा है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। तुम बोला नहीं पैंडल मारना छोड़ दिए हैं तो रुक जाएगा, हाँ वो हम बताएं कि अलग केस में है, ठीक है। अगर हम लोग कोई आम भाषा में पूछ दे तो बोले ठीक है पैंडल मारना बंद किया इसलिए रुक गया, लेकिन सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख करके आंसर करना होता है ना, तो हम तो वही बात बताए कि फ्रिक्शन के वजह से ये रुकेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं फ्रिक्शन का मतलब ही है अपोज मोशन, ठीक है, मोशन को अपोज करो, कोई भी इंसान गति में है जाओ उसको रोको, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि गांव घर में गोतिया लोग होता है, तुम तरक्की कर रहे हो तो वो नहीं चाहेगा कि हम भी साथ में मिलकर तरक्की करें, तुम्हारा पैर पकड़ के खींचेगा नीचे, ना वो कैसे जाएगा आगे, उसको नीचे लाओ, है ना, अरे भाई तुम भी जाओ उसके साथ, तुम भी आगे बढ़ो, है, तो इस तरीके का नहीं होता, ज्यादातर में होता है इस केसेस में, हम सबको नहीं बोल रहे, ठीक है। ओके सर, सो फार वी हैव लर्न दैट द फ्रिक्शन और द फ्रिक्शनल फोर्सेस इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ कॉन्टैक्ट विद वी विल अंडरस्टैंड फ्रिक्शन इन मोर डिटेल इन चैप्टर, ठीक है। तो भैया हम लोग ये भी देखे कि साइकिल में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा था और कॉन्टैक्ट फोर्स लगने के बावजूद भी जब वो कॉन्टैक्ट फोर्स हटा तो कॉन्टैक्ट फोर्स हटने के बाद कुछ टाइम के बाद सम टाइम्स के बाद वो चीज़ें रुक गई, साइकिल रुक गया, साइकिल रुकने के पीछे का कारण था फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन आया तो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा कुछ तो है नहीं फ्रिक्शन के बारे में, तो इसके बारे में तुम्हारे पास सवाल जानना हो के लिए थोड़े से दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, है ना, कि ये रही भाई ये क्या होता है कैसे होता है। हालांकि हम लोग पहले चैप्टर में तो देख ही चुके हैं कि उसके क्या होता है फ्रिक्शन, वो देखेंगे कैसे अफेक्ट करता है वो देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, हमारे लिए हार्मफुल कैसे है ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ओके सर, तो फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो सीखे थे, जो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले थे, वो चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोगों का मेन जो चैप्टर होता है फ्रिक्शनल, वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसको स्टार्ट करने से पहले दो तुमको कीवर्ड्स है उसको याद कर लेना है सर, कि भैया स्टेशनरी कहने का मतलब उस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि अगर तुमको कोई कहे कि ये चीज़ें क्या हैं, स्टेशनरी हैं, ठीक है, स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी कहने का मतलब कि वो नॉट मूविंग, ठीक है, क्या वो चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, मतलब कि अपना प्लेस चेंज नहीं कर नहीं कर रही हैं, ठीक है, ये होता है स्टेशनरी। दूसरा अगर कहें कि दूसरा जो है तुम्हारे पास स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग अभी घर में शीशा खिड़की ये सब स्लाइडिंग वाला ही लगता है, हम लोग बोलते हैं ना कि ये स्लाइडिंग वाला खिड़की लगाएंगे हैं विंडो, तो भैया ये क्या होता है, स्लाइडिंग कहने का मतलब है मूविंग, मूविंग मतलब कि स्मूथली, ठीक है, उसमें बिना तुमको जोर लगाए, क्या होता है खिड़की तुम लोग घर में क्या करते हो, बस ऐसे हल्का से थोड़ा सा ऐसे घसकाते हो घसक जाता है ना, तो वही होता है, तो जो भी सरफेस होता है उसमें क्या होता है हम लोग जरा सा ऐसे करते हैं स्लाइड कर जाता है घिसक जाता है, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग और स्टेशनरी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। उसके साथ अब तुमसे कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू थिंक फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है ये क्या तुमको ऐसा सोचने में आ रहा है या तुम ऐसा सोच पा रहे हो कि जो फ्रिक्शन है वो दोनों ही पर ये होता है, हाँ जो रुके हुए चीज़ होते हैं उस पर और या तो फिर जो मूव कर रहा होता है उस पर, क्या दोनों ही पे फ्रिक्शन लगता है, जो मूव कर रहा है उस पे लगे। जो मूव कर रहा है उस पर और स्टेशनरी पे नहीं लगेगा, स्टेशनरी पे नहीं लगेगा तो ये चीज़ें यहाँ जो अभी हम लोगों का टेबल पे है रखा हुआ ये रह जाएगा है, नहीं ना रहेगा, ग्रेविटी की वजह से। अरे भाई ग्रेविटी तो है ही, वो चीज़ों को अपने और नीचे के खींचती है, ठीक है, कुछ भी ऊपर वो तो अलग है, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है। तुम जरा स्लाइडिंग वाला सीढ़ी जो होता है ना, स्लाइडिंग वाला सीढ़ी, या जो बच्चा होता है, बच्चा लोग ऐसे यहाँ पर बैठता है और ऐसे पर यहाँ पर गड़कता है वहाँ अगर तुमको रुकना होता है बीच में ही तो तुम क्या करता है, दोनों तरफ पैर ऐसे रखता है तब रुकता है ना, नहीं तो बैठता है और कहीं रुक रुक के दिखा दो कि बैठे और रुक गए, नहीं ना रुका, वो तो सीधा खिसक जाता है,
ठीक है, लेकिन रुकना होता है तो तुमको किधर ही पैर फंसाना होता है, और यही चीज़ अगर स्लाइडिंग नहीं, यहाँ सीढ़ी जो उल्टा तरफ से चढ़ता होता है वहाँ सीढ़ी लगा होता है, और उसी सीढ़ी में अगर बैठ जाते तो वहाँ से गिरता है क्या? नहीं ना गिरता है, वहाँ तो जैसा बैठता है वैसे ही रह जाता है। तो मतलब कि सर फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो सर हम कहें कि फ्रिक्शन जो है वो स्टेशनरी और साथ ही साथ मूविंग दोनों पर ही वर्क कर रहा है, ठीक है? ओके सर, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू। ठीक है, अब इसको हम तो एग्जाम्पल से समझा दिए, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को और अच्छे से एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको मतलब कि इस की फ्रिक्शन जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है, मोशन पेपर भी मूविंग वाले ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है वो देखो, तुमको क्या लेना है कि भैया एक 200 पेज का किताब लेना है, ठीक है, और दो तीन ठो बुक ले लेना है, ठीक है। उसको कहाँ पर लिख रख देना है? ये टेबल पे, ये टेबल है, इसमें 200-300 पेज का दो को बुक रख दो या तीन को रख दो, या तुमको एक को मन है उसको रख दो, ठीक है। दूसरे बार में तुमको क्या करना है, इसको इधर से पुश करना है, धक्का देना है, ठीक है, पुश करना है बुक को अपने हाथ का इस्तेमाल करके, जिससे वो क्या करेगा, यहाँ से घसकना चालू करेगा, और जैसे ही घसकना चालू करेगा उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग, है ना, कहते हैं ना घसक रहा है मतलब स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो टेबल पे वो घसकना चालू करेगा, अब तुमको क्या करना है, अपना हाथ को हटा लेना है, ठीक है। अब हटाने के बाद तुमको ध्यान से उसमें देखना है कि क्या हुआ, तो क्या होगा कि तुमको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ छोटा सा फोर्स अप्लाइड किए हैं उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, तब वो मूव किया, हम लोग छोटा सा फोर्स दिया ना किताब में, तब ये मूव किया, ये तो पहला, दूसरा स्टेप था, ठीक है। पहला स्टेप में हमने टेबल लिया, किताब लिया, किताब पर यहाँ पर रख दिया, और उसके बाद दूसरा स्टेप में हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये आगे की ओर बढ़ा, स्लाइड किया, ठीक है। तीसरा में क्या है कि तुम्हारा जो बुक है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है और पुश करना है धीरे से, स्मॉलर फोर्स से, ठीक है, अपने फिंगर से, वहाँ हाथ से किया था सेकेंड वाला में, हाथ से पूरा पुश किया था, और थर्ड वाले में तुमको फिंगर से करना है जेंटली धीरे धीरे, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। यहाँ देखो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, एक तरफ एक्शन था और एक तरफ कॉलम था, ठीक ऑब्जर्वेशन है, ये एक्शन और ये कॉलम। तो तुमने एक्शन क्या लगाया, एक बार पूरा हैंड लगा दिया, दूसरे बार क्या लगाया, एक फिंगर फिंगर लगाया, ठीक है। वेन द बुक इज पुश विद अ ग्रेटर फोर्स यूजिंग योर हैंड, जब तुमने क्या किया, ग्रेटर फोर्स के साथ बुक को पुश किया तो वो स्लाइड करता रहा, डिड द बुक कंटिन्यू स्लाइडिंग, डिड नॉट कम टू आफ्टर द रेस्ट ऑफ रेस्ट टाइम, कुछ के बाद मतलब कि कुछ टाइम के बाद आया होगा लेकिन बहुत देर के बाद आया होगा रेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद जब फिंगर से तुमने किया तो वो क्या होगा, तुरंत ही कुछ देर बाद जाने के बाद हो जाएगा। जैसे कि यहीं पर देख लो ना, ये हम लोगों का टेबल है, ठीक है, यहाँ पर अगर करें तो यहाँ अगर हम ऐसे करें, ये सरफेस ही मान ले, पूरा हाथ से किए, ठीक है, थोड़ा सा देखो, ये है बुक, पूरा हाथ से कर रहे हैं, छोड़ दिया तो छूट गया थोड़ा सा ही, अब यहाँ फ्रिक्शन काउज किया ऐसे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा उंगली से करेंगे तो इसमें उनको थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगेगा, घसक भी नहीं रहा अभी तक, हम दे रहे हैं फोर्स लेकिन नहीं घसक, तुम बोला नहीं हाथे रखने होंगे, बड़े भी नहीं करेंगे, ये घसक रहा है ना, ठीक है। तो इसमें उंगली वाला में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसमें तो पूरा क्योंकि ज़्यादा एरिया ले रहा है तुरंत घसका दिए, ये रुक रहा है, रुक रहा है मतलब कि फ्रिक्शन काउज कर रहा है। अगर यदि इसको हम ऐसे कर दे भी, क्या हुआ, हमको फोर्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, देखो जरा सा, यही तो तुमको बोल रहे थे कि जैसे तुम खेलने जाता है पार्क में उस वक्त होता है, तो मतलब क्या फ्रिक्शन काउज करता है यहाँ पर, हैं स्टेशनरी रुके, चलो ओके सर। अब देखो क्या क्या इस एक्टिविटी से तुम समझे हो वो देखो, इस एक्टिविटी से तुमने एब्जॉर्ब किया कि जो बुक है वो रिलेटिव टू द टेबल, जब हम बहुत ही बड़ा अप्लाइड कर रहे थे फोर्स अपने हाथों से तो वो क्या कर रहा था, कुछ समय के बाद स्लाइड कर रहा था, कुछ सेकेंड तक, ठीक है, कुछ सेकेंड तक किया और वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है, यही बात हम तुमको बताएं। दूसरा, बुक को फिर से हम लोग रेस्ट पे लाए, ठीक है, टू ब्रिंग द बुक एट टू रेस्ट, अ फोर्स दैट अपोजिट इट्स मोशन मस्ट एक्ट ऑन इट, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अ टेबल। अब जब कुछ देर के बाद, कुछ सेकेंड के बाद वो बुक जो होगा जिसपे हम फोर्स लगाएं वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है, रुक गया ना, तो इसमें रुका तो इसमें कुछ तो फोर्स लगा होगा ना सर, ठीक है, और इसी फोर्स को, जो फोर्स लगा उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, कि उसके मोशंस को कर दिया। सर ये देखो ना, ये टेबल है और टेबल के ऊपर किताब मैंने रखा, ठीक, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, कुछ दूर के बाद यहाँ तक गया और रुक गया यहाँ, ठीक है, तो क्यों रुका, तो सर इसलिए रुका क्योंकि यहाँ से इसको अपोज में एक फोर्स कर रहा था, ठीक है, ये तुम्हें इधर आगे धकेलना चाह रहा था, ये इसको पीछे धकेल रहा था, जिसके वजह से रुक गया, और इसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला में क्या हुआ वो देखो, कि बुक डिड नॉट मूव व्हेन इट वाज पुश्ड बाय जेंटली अ स्मॉलर फोर्स बाय अ लिटिल फिंगर, ठीक है, तुम क्या है कि जब फिंगर, लिटिल फिंगर से,
लिटिल फिंगर से जब ये करोगे उसको मूव करने की कोशिश करोगे, ये टेबल ये बुक है तो इसमें तो बोले तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा अगर जोर से लगेगा तो। लेकिन अगर तुम जेंटली कर रहे हो, तुम्हारा एक्टिविटी में जेंटली बोला था, जेंटली मतलब कि एकदम आसान से धीरे धीरे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये बुक बढ़ेगा ही नहीं आगे। क्यों नहीं बढ़ेगा? उसका रीज़न कि भैया ये जो तुम फोर्स इधर से लगा रहे हो उससे ज़्यादा फोर्स ये वाला है जो उसको अपोज कर रहा है ना, उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से वो बुक बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, ये था। देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एन अ फोर्स दैट ब्रांचेज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिटिल फिंगर, दिस प्रोसेस अपोजेज द बुक्स टेंडेंसी टू मूव रिलेटिव टू द टेबल। ठीक है, तो ये जो है हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसकी टेंडेंसी या क्षमता है कि भैया चीज़ों को हम आगे ना बढ़ने दे। क्यों नहीं बढ़ने दे? क्योंकि तुम्हारा जो फोर्स तुम लगा रहे हो उस पर, उससे ज़्यादा फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल का फोर्स ही है। ठीक है, अब टेंडेंसी कहने का मतलब है कि एक हैबिट, एक क्षमता जो तुम किसी चीज़ों के प्रति पर्टिकुलरली एक तरीके से लगा रहे हो। ठीक है, दस वी कैन डिफाइन। अब देखो, पहले तो अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए थे फ्रिक्शनल फोर्स को, कि भैया जो चीज़ें हमें कुछ भी चीज़ें आगे करने के लिए मोशंस करने में रोक रही हो, फ्रिक्शन लगा मतलब कि जो चीज़ें रोक रही हैं, अपोज कर रही हूँ मैं, उसे ही फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब फ्रिक्शन को रीडिफाइन कैसे करता है वो देखो, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल को कैसे कहता है कि फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल एज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन और टेंडेंसी ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट और अ सर्फेस। इसको तुमको याद कर लेना है, कहता है कि जो अभी तुमने पर समझा है बस वही चीज़ लाइन को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में। अब तुमको हम याद करने क्यों बोले? क्योंकि भाई तुम तो समझ गए हो दूसरे दोनों ही लाइन में, एक में टेंडेंसी है कि भैया रोक देता है उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, दूसरे में बोला कि हाँ चलो ठीक है ग्रेटर फोर्स लगाते तो बढ़ जाता है, उसी चीज़ को तुमको वहाँ पर वर्ड में लिख दिया है। तो तुमको इसको याद क्यों करना है? क्योंकि भैया आपके एग्जाम भी तो होंगे है ना, और इस एग्जाम में लिखना भी तो होगा, नहीं तो बिना लिखे मार्क्स कैसे मिलेगा। ठीक है, तो वही बोला है कि फ्रिक्शनल या फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मोशंस को क्या करता है, मोशंस को अपोज करता है, अपोज करता है, उसको रोकने का काम करता है। और दूसरा इसके पास क्या है कि टेंडेंसी है, क्षमता है कि किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को जो कि उसके अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिलेटिव अनदर ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग मोशन वहाँ देख रहे थे तो हम लोग किसी के बीच से कंपेरिजन कर रहे थे, तो यहाँ पर भी जिस चीज़ का है उसका रिलेटिव अनदर ऑब्जेक्ट के सर्फेस से अगर कंपेरिजन करें तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो क्या करे, अपोज कर ले दूसरे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मोशन को। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। समझ में आया? फ्रिक्शन देख लिया अभी है? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, ठीक है। सिंस फ्रिक्शन एक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है। फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसका जो एस आई यूनिट होगा, ठीक है, जो इसका एस आई यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन। एस आई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, नापता है कोई भी चीज़ तुम तो वो चीज़ें नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट होती है, पीछे वाले चैप्टर में ही तो हम लोग मेजरमेंट में सीखे हैं, ठीक है ना, तो वही नापने वाला जो इसका नापेंगे, ठीक है, कि कितना फोर्स, ठीक है, कितना बल लगा, तो उस बल को हम लोग नाम देंगे ना, तो उसी बल को हम लोग क्या कह रहे हैं? एसआई यूनिट। और उसका एसआई यूनिट, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। न्यूटन है, ठीक है। सिमिलरली फोर्स फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंडिकेटेड यूजिंग एरो गिवेन बिलो अ फ्यू एग्जाम्पल शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। लेकिन इसी प्रकार से न्यूटन तो भैया फोर्स है, ठीक है, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। फ्रिक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एक चीज़ का और इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ का एरो का, ठीक है, कि जिधर से फोर्स लग रहा है उसको भी एरो दिखाएंगे, जिधर से अपोज कर रहा है उधर भी दिखा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए देखो, तुम्हारा यहाँ पर वो बच्चे वाला एग्जाम्पल, पता नहीं यार क्यों मेरे साथ जो होता है कि जो बुक में एग्जाम्पल दिया होता है हमको पता भी नहीं होता, हम तुम्हारा बुक देखे थे क्या पहले? और वही एग्जाम्पल मेरे से निकल जाता है, हमको नहीं पता कैसे निकलता है। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो, ये तुम्हारा अलमीरा है, ठीक है, कहता है कि जब कभी भी एक बच्चा क्या होता है, एक कबर्ड को, ठीक है, एक कबर्ड को या एक अलमीरा को मूव करना चाहता है, ठीक है, मूव करना चाहता है ना, तो ये मान के चलो अलमीरा है, ठीक है, ये मूव करना चाह रहा है इधर से, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, तो इसका जो कबर्ड का जो टेंडेंसी है वो उसका जो फोर्स लगेगा, अपोजिंग फोर्स वो इधर लगेगा। ये बच्चा यहाँ से लगा रहा है फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया तो कबर्ड किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम तुमको पूछ लेंगे इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, तो इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, जिधर से भी फोर्स लग रहा होगा, जिधर से भी फोर्स लग रहा होगा, अगर तुमको पूछती है कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर है, तो जस्ट उसके किधर? उल्टा, अपोजिट में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो बच्चा है वो भैया ये जो स्लाइडिंग वाला जो बच्चा लोग पार्क में खेलता है उसमें डाउन आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर तुमको इसमें पूछ दे कि तुम्हारा बताओ इधर फ्रिक्शन कहाँ है, देखो इधर इधर उधर सीढ़ी और यहाँ से बच्चा स्लाइड कर रहा है, अभी तुमसे इधर से आ रहा है, अब तुमको पूछ दे कि इधर फ्रिक्शन किधर है इसका, उसका अपोजिट, तो जस्ट इसका अपोजिट में लग रहा है सर, ठीक है, इसीलिए चीज़ें कुछ देर के बाद रुक जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके सर, काउज ऑफ फ्रिक्शन चालू नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, चालू करना मतलब पूरा ख़त्म करना, ठीक है,
ये कल देखेंगे। ठीक, तुम्हारे पास होमवर्क के लिए है, फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन करो, उसके एसआई यूनिट को लिखो, हो गया ना। फिर तुमको डायरेक्शन बताना है, जैसे कि अभी हम लोग डायरेक्शन का फिगर देख चुके हैं, तो इसमें बता देना कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, मैच स्टिक में डायरेक्शन किधर है फ्रिक्शन का। ठीक है, एक बॉक्स है 15 न्यूटन 20 न्यूटन, अच्छा ये तुमको एक बता देते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, तुमने फोर्स लगाया इधर से, ठीक है, इधर से फोर्स लगाया 15 न्यूटन का और इधर से 20 न्यूटन का, ऑब्जेक्ट किधर बढ़ेगा? 20 न्यूटन से 15 न्यूटन की ओर, इधर बढ़ेगा, लेकिन इसका अपोजिंग फोर्स किधर लगेगा फ्रिक्शन का? 20 न्यूटन की इधर ओर। लगेगा। तो ये चीज़ तुमको बताना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ऑब्जर्व द केस गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तुमको बताना है। ऑब्जेक्ट किधर बढ़ेगा? ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक भाई 9 न्यूटन लगा रहा है, एक भाई 5 न्यूटन लगा रहा है, टोटल कितना हो गया? 14 न्यूटन। ठीक है, अब 14 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लग रहा है, चीज़ें इधर बढ़ेंगी, लेकिन इसका अपोजिंग फोर्स किधर होगा? अपोजिंग फोर्स का अपोजिट क्यों? इसका अपोजिट की ओर। अब इसी चीज़ को सेम को क्या करो, कन्वर्ट कर दो। ये है फोर बॉक्स, बड़ा भाई न्यूटन 5 न्यूटन इधर से लगा रहा है, छोटा भाई 5 न्यूटन, ये 9 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। ठीक है, ज़्यादा ग्रेटर फोर्स किधर है? 9 न्यूटन क्यों? 9 न्यूटन। चीज़ें किधर पड़ेंगी? इधर पड़ेंगी। अपोजिंग फोर्स किधर होगा? 5 न्यूटन क्यों? इधर से होगा। ठीक है, 9 है तो 9 में 4, मतलब इधर 4 ही लग रहा है, बाकी तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 तो 4 इधर बढ़ रहा है ना यार, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा अपोज में जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर भी बता दिया कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स इन केस एंड द फील्ड, हो गया आंसर। ये 3 कर लेना, ठीक है, होमवर्क भी हो गया। काउज ऑफ फ्रिक्शन कल चालू करेंगे, फैक्टर।